ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हमारे एसआरएम जेई के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है। हालांकि एसआरएम जेई का एग्जाम 28 और 29 को है और आज 22 है, तो मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। लेकिन मैं भी क्या करूं, मेरे पास भी बुक की जो डिलीवरी है वो काफी थोड़ा सा लेट आई थी, क्योंकि मैंने साथ में जो है बाकी एग्जाम्स के, कॉमेट के वगैरह सारे बुक्स की एक साथ मैंने ऑर्डर करा था। तो बिकॉज कॉमेट के बुक की डिलीवरी थोड़ी लेट हो रही थी, तो शायद उसके साथ ही हमारे एसआरएम जेई की बुक है जो वो मेरे पास आई है। लेकिन मैंने कि क्यों ना फटाफट से इस पे वीडियो बना देते हैं, ताकि कोई भी बच्चा अगर इसको ऑर्डर करना चाहता है लास्ट मोमेंट में, तो 2 से 3 दिन के अंदर 25 तारीख तक उसकी डिलीवरी हो जाएगी और लास्ट के 3 दिनों वो जो है इससे प्रैक्टिस कर पाएगा, ताकि उसके एसआरएम जेई में जो रैंक है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाए। क्योंकि अगर आप एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको फील ज्यादा आती है। इस वजह से हम लोग इस वीडियो में फटाफट से रिव्यू करने वाले हैं, ताकि आप लोग एक क्विक डिसीजन ले पाओ कि आप लोग ये बुक मंगानी है या फिर नहीं मंगानी है। अगर नहीं मंगाओगे तो भी कोई ऐसे खास बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं इसके क्वेश्चन लेने ही वाला हूं अभी। कल से मैं वीडियोस बनाऊंगा ट्रिक्स एंड चीट की, तो लगातार आपको 5-6 दिन इसके वीडियोस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसको मंगा लेते हो तो आप अपने साइड से भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर पाओगे, मॉक टेस्ट वगैरह थोड़ा दे पाओगे, क्योंकि इसमें शायद से मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह भी है। तो इसको देखते अच्छे से हम लोग है ना, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलो यार, जल्दी से हम लोग इस बुक का रिव्यू देख लेते हैं अच्छे तरीके से। मैं आप लोगों को समझा देता हूं अंदर क्या है क्या नहीं है, ताकि आप लोग क्विकली डिसाइड कर पाओ अपने लिए, क्योंकि आपको अगर ये बुक ऑर्डर करनी है तो आज के आज ऑर्डर करनी पड़ेगी, तब ये 2-3 दिन के अंदर डिलीवर होगा और तब आपको 2-3 दिन का टाइम मिलेगा इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, इसको इग्नोर कर देना है ना, रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं। अगर आप इमीडिएटली इस वीडियो को देख रहे हो सेम डे 22 जून को, तो फिर आपके लिए हो सकता है कुछ इसमें फायदा हो। तो यहां पे हमारे पास 2016 से 2007 तक के पेपर है, 2020 तक के पेपर नहीं है, क्योंकि एसआरएम जेई वगैरह जो है, एसआरएम जेई कॉमेट के ये सब के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत जल्दी आपको नेट पे अवेलेबल नहीं रहते, तो बहुत कुछ सिलेक्टेड बुक्स ही होते हैं आपको ऑनलाइन जो मिलते हैं या फिर मार्केट में मिलते हैं, जिसके जो क्वेश्चंस है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थोड़े ऑथेंटिक मिलते हैं। कॉमेट के की भी मैंने बुक रिव्यू आज करी थी, वो भी एमटीजी पब्लिकेशन का था, और एसआरएम जेई का भी ये जो है एमटीजी पब्लिकेशन का ही है। तो हो सकता है शायद कुछ एमटीजी पब्लिकेशन का कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो, क्योंकि ये सारे जो एग्जाम्स के जो बुक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एमटीजी के ही मेरे को देखने को मिल रहे हैं और किसी के देखने को नहीं मिल रहे हैं, राइट। तो यहां पे हमारे एसआरएम जेई का है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन 2016 तक का है, 2020 तक का नहीं है, 2016 का एडिशन है, 2017 का एडिशन है ये, क्योंकि 2016 तक के यहां पर क्वेश्चंस हमको दिख रहे हैं। अब इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों इंक्लूडेड है, तो इसमें 4 बुक मंगाने की जरूरत नहीं है, एक ही बुक आप मंगाओगे। मॉडल टेस्ट पेपर्स आप देख सकते हो, आपके पास में 5 मॉडल टेस्ट पेपर्स है जिसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन भी दी हुई है। फटाफट से हम लोग चलते हैं अंदर में, एमटीजी पब्लिकेशन का यहां पर हमारे पास में है बुक, और यहां पर आप देख सकते हो थोड़ा बहुत अबाउट एसआरएम जेई दिया हुआ है, तो ऐसे थोड़ा डिटेल दिया हुआ है एसआरएम जेई के बारे में, इसका मतलब थोड़ा ऑथेंटिक लग रहा है मेरे को ये बुक, क्योंकि प्रॉपर एसआरएम जेई की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, एलिजिबिलिटी ये सारी चीजें जो है सब दी हुई है आपको। फिर आपके पास में फिजिक्स के चैप्टर वाइज है, केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज है आप देख सकते हो, ठीक है, और उसके बाद में आपके पास में पीछे में मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज हैं, फिर बायोलॉजी के चैप्टर वाइज हैं, और फिर लास्ट में आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं, ठीक है। तो ये अबाउट एसआरएम जेई है, ये सब उतने काम का भी हमारे पास में नहीं है। आगे चलते हैं फटाफट में, सिलेबस आपको प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है कि क्या आपका जो है सिलेबस है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास में कुछ यहाँ पर पैटर्न वगैरह दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। अब ये चेक करना पड़ेगा कि इस साल के हिसाब से या पहले के हिसाब से, क्योंकि ये बुक जो है पेपर 2016 तक के हैं, बट आई गेस कि ये नए पैटर्न के हिसाब से ही होगा, ठीक है। और इसके बाद में आगे हम लोग चलते हैं हमारे पास में सिलेबस के बाद में, एक एक चैप्टर वाइज आपको दिख रहा है इस तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए हैं 2016 से लेकर के हमारे पास में 15, 2014 इस तरीके से आपके पास में कहाँ तक है देखता हूँ, आपके पास में 2008 तक के क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के अंदर में, सॉल्यूशंस आंसर की दिए हुए हैं, सॉल्यूशंस मुझे काफ़ी डिटेल्ड लग रहे हैं, है ना, मतलब काफ़ी डिटेल्ड, मतलब जितने रिक्वायर्ड है उतने, है ना, जहाँ जितना रिक्वायर्ड है उतना ही है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, एकदम सॉल्यूशन सही है। मतलब आप देखो, अगर आपके पास 25 क्वेश्चन है, इस 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लगेंगे आई थिंक 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो भी, एंड इमीडिएटली आप सॉल्यूशंस भी उसका देख करके वेरीफाई कर सकते हो अपने आंसर्स को, एंड इस तरीके से आप क्विकली 3 से 4 दिनों में बहुत सारे चैप्टर्स को कवर अप कर सकते हो। अगर आप 60% चैप्टर्स भी कवर अप कर लिए तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने एग्जाम के लिए, है ना। आगे हम लोग इसी तरीके से देख सकते हैं फिजिक्स के और भी बहुत सारे चैप्टर्स है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ कवर है, मतलब काफी सुंदर सा बुक है। यहां मेरे को पर्सनली देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा मजा आता अगर मैं एक स्टूडेंट होता और मैं अगर इसको सॉल्व कर रहा होता तो मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता। बस बात यहां पर टाइम कंस्ट्रेंट की, आपके उसमें टाइम कम है, क्योंकि आपके एग्जाम जो है सिर्फ 7 और 8 दिन बाद है, तो 7-8 दिन के अंदर अंदर में आपको बुक भी मंगानी है और फिर उसको सॉल्व भी करना है, तो वो एक टेंशन वाली बात आप
लोगों के लिए होगी। अदरवाइज अगर ये बुक आपके पास में आ जाता है 2-3 दिन के अंदर अंदर तो ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी है आगे, है ना, ये सारे ऑर्गेनिक के पोर्शंस आप देख सकते हो, सॉल्यूशंस बढ़िया तरीके से आपको दी हुई है, डिटेल सॉल्यूशंस है, ऐसा नहीं कि छोटे में निपटा दिया, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपर दी हुई है क्वेश्चंस की, है ना। और पर चैप्टर क्वेश्चंस आपके लिमिटेड है बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि ये लास्ट कितने साल का है, 7 से 16, लास्ट 10 साल का है, तो आपके एवरेज मान लो एक क्वेश्चन भी हर साल आता है तो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन से ज्यादा आपको पर चैप्टर नहीं देखने को मिलेगा अंटिल एंड अनलेस कोई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो तो, ठीक है। तो इट इज वेरी इजी टू डू बिकॉज आपके चैप्टर्स आप देखो कितने है, 10 आपके यहां पर है ना। अब जैसे मान लो आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है तो इसमें आपके ज्यादा चैप्टर्स होते हैं क्योंकि इसमें आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी है, मैग्नेटिज्म भी है, तो सबको कंबाइन करके ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो अगर आप इस 10 को 10 भी मत मानो, 30 मान लो क्योंकि मैक्सिमम 30 होंगे, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में 5-6 चैप्टर्स होता है वो अलग अलग पढ़ते हैं, है ना। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यहां पर एक ही यूनिट दिया हुआ है लेकिन हम लोग उसको अलग अलग पढ़ते हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल चैप्टर्स भी ले लोगे ना, जैसे मैकेनिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं तो आप वो इंडिविजुअल चैप्टर्स भी लोगे तो 30 से ज्यादा नहीं आएंगे, तो 30 आप मान लो फिजिक्स में, 30 आप मान लो केमिस्ट्री में, है ना, इस तरीके से आप मान लो। तो अगर आप 30 और मान लो आपका मैथ्स है तो मैथ्स में आप 20 मान लो, तो 30 60 और 20 मैथ्स का 80, तो 80 चैप्टर्स अगर आपके हैं तो उसमें अगर 10-10 क्वेश्चन भी आप कर लो या चलो 5-5 क्वेश्चन भी कर लो तो भी आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा क्योंकि आप 400 क्वेश्चन 3 दिन में कर भी सकते हो, इस लेवल के क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना, आसानी से। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों से ज्यादा भी कर लेंगे और आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा अपने SRM JEE के लिए। अगर आपने कोई और एग्जाम में फोड़ के नहीं रखा है तो SRM JEE भी एक आपके पास में ऑप्शन, अगर आपने रख के रखा है SRM JEE को तो फिर ये हेल्पफुल होगा आपके लिए लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री का वंडरफुल, ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस मैं उठाऊंगा, इन सब में से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप लोगों के लिए बनाऊंगा, है ना। कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा ट्रिक्स बनाना। बायोलॉजी वाले बच्चे जिनका बायोलॉजी का स्ट्रीम है, मेडिकल स्ट्रीम है, वो बायोलॉजी वाला पोर्शन करेंगे, मैथ्स वाला छोड़ देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये सब काफी ज्यादा हेल्पफुल है लास्ट मोमेंट में, सारे जो दिखने में लग रहे हैं थोड़े एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस टाइप के लग रहे हैं, मुझे दिखने में लग रहे हैं, बाकी एग्जैक्टली क्या है वो तो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वही बता पाएंगे, ठीक है। और ये सारे चैप्टर्स है माइक्रोबायोलॉजी वगैरह आप देख सकते हो। लास्ट में चलते हैं हम लोग फटाफट से मॉडल टेस्ट पेपर में। तो यहां पर पीछे में हमारे पास में ना 5 मॉडल टेस्ट पेपर्स है, तो कोई एक मॉडल टेस्ट पेपर हम खोल के देखते हैं कि किस तरीके का अंदर में सिनेरियो। तो मॉडल टेस्ट पेपर 2 खुला हुआ है तो मॉडल टेस्ट पेपर 2 को हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास में मॉडल टेस्ट पेपर 2 है, आप देख सकते हो फिजिक्स के क्वेश्चंस यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हमारे पास में ये है आपके पास में 35 क्वेश्चंस फिजिक्स के अंदर में, फिर केमिस्ट्री के अंदर में 36 से स्टार्ट होकर के 70 तक जाएगा, ये 70 हमारे पास में गया है, और फिर मैथमेटिक्स में 71 से स्टार्ट होकर के हमारे पास में ये 105 तक गया है, मतलब 35 35 35 क्वेश्चंस तीनों में। फिर बायोलॉजी के अंदर में, मतलब अगर आपका बायोलॉजी है मैथमेटिक्स नहीं है तो फिर वो 71 से स्टार्ट होगा आपका और 105 तक आपका बायोलॉजी जाएगा, मतलब मैथ्स के बदले आपका बायोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। नहीं, बायोलॉजी में ज्यादा क्वेश्चंस लग रहे हैं मुझे, ठीक है, बायोलॉजी में ज्यादा क्वेश्चंस है, बायोलॉजी 120 तक है, तो वो थोड़ा पैटर्न वैटर्न का फर्क होगा, ठीक है। मेडिकल वालों के लिए जो है मतलब कम टाइम लगता है पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस दिया होगा। तो आप देख सकते हो फिजिक्स 35, केमिस्ट्री 35, मैथ्स 35, ठीक है। तो ये हो गया 105। अगर आपके मैथ्स नहीं है, बायोलॉजी है, तो आपका 70 से स्टार्ट होकर 120 तक जाएगा, मतलब बायोलॉजी के आपके 35 के जगह 50 क्वेश्चंस है, कहने का मतलब यही है, ठीक है। क्योंकि मेडिकल वालों का हो सकता है पैटर्न वैटर्न क्या होता है मुझे उतना याद नहीं है, पैटर्न वैटर्न SRM JEE का, तो आप लोग देख लेना जो भी है, बस यही है। आप इस पे मॉडल टेस्ट पेपर देख करके आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो लास्ट के 1-2 दिनों में, घर में बैठ के अगर आपको टेस्ट देना हो तो उसके लिए भी ये बुक काफी अच्छी है। आप केवल ये लास्ट के 5 जो मॉडल टेस्ट पेपर है उनको एज अ टेस्ट दे दो और फिर ये सारे सॉल्यूशंस देख लो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका क्या स्कोर आ रहा है और आप सॉल्यूशंस देख करके बहुत कुछ सीख सकते हो और जो जो चैप्टर आपको रिवाइज करने का लगेगा वो सब आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे इन द लास्ट मोमेंट्स। अब ये मॉडल टेस्ट पेपर का जो पैटर्न है ये SRM JEE के पैटर्न से सिमिलर है या नहीं, ये आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया SRM JEE का एग्जैक्ट पैटर्न इस साल का क्या है, तो वो मुझे याद नहीं है, मैंने शायद पहले चेक किया था बट मुझे अब याद नहीं है। तो आप लोग बता देना कि क्या यही पैटर्न है SRM JEE का कि नहीं, ये जो 35 35 35 का जो पैटर्न है मैथमेटिक्स के लिए और 35 35 50 का जो पैटर्न है बायोलॉजी के लिए, क्या यही पैटर्न हमारे पास में है इस साल, ये आप लोग कमेंट्स में जरूर बता देना। बट अगर वो पैटर्न नहीं भी हुआ ना तो भी ये हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, क्योंकि इससे आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे उस लेवल के क्वेश्चंस जो आपके SRM JEE में आते हैं। ये कुछ और एडिशनल बुक्स है इसके, NCERT, फिंगर टिप्स वगैरह, इन सब से हमारा अभी कोई खास काम धंधा अभी लेना देना है नहीं,
इस बुक की प्राइस क्या है वो मुझे याद नहीं है, बिकॉज मैंने अमेजन से बहुत सारी बुक्स एक साथ ऑर्डर करी थी, तो प्राइस मुझे कहीं दिख जाता है तो मैं अभी बताता हूँ। यस, यहाँ पर प्राइस दिख गया 300 रुपीज की, जो प्राइस है यहाँ पर दी हुई है। अब ऑनलाइन में क्या प्राइस था मुझे याद नहीं है, मैंने 4-5 बुक्स अलग अलग एक साथ बल्क में मंगाई थी, कॉमेट के की, वेबजी की, तो सारा बिल जो है एक साथ हुआ था। तो ये आप लोग देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करके देख लेना क्या इसकी प्राइस बनती है, और अगर आपको परचेस करना है तो आप लोग परचेस कर सकते हो। तो यही रहा यहाँ पर हमारा जो बुक का कुछ रिव्यू। ओवरऑल बुक जो है अच्छा है, कुछ खराब नहीं है, ढंग की बुक है, मैंने भी मंगाई है, और इसी से मैं आप लोग लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स भी कल से बनाने वाला हूं। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको पसंद होगी, आपने इस बुक का रिव्यू अच्छे तरीके से देख लिया होगा। अब आप अपने लिए चूज कर सकते हो कि ये बुक आपको लास्ट मोमेंट में मंगानी है या नहीं मंगानी है। आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं इस बुक का रिव्यू थोड़ा लेट लेके आया हूं, क्योंकि मुझे अगर मैं वीडियो बनाता ये वाली तो शायद बहुत स्टूडेंट्स को हेल्प मिलता। पता नहीं, बहुत सारे बच्चे इमीडिएटली देखेंगे वीडियो को, बहुत सारे बच्चे लेट से देखेंगे, तो जब तक हो सकता है एग्जाम क्लोज आ जाए। लेकिन अगर आप इमीडिएटली इस वीडियो को देख रहे हो, आज के आज देख रहे हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और आप रेगुलर वीडियोस देखते हो, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। इमीडिएटली इसको आप कर सकते हो ताकि ये 2-3 दिन के अंदर आ जाए, एंड लास्ट 3 दिन आप इसका फायदा उठा सकते हो, इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत ज्यादा नहीं है, आप अगर इसके 30% भी कर लिए तो आपको बहुत ज्यादा फील आएगी। और अगर आपके पास में कोई बैकअप कॉलेज अभी नहीं है, मान लो कोई दूसरे कॉलेजेस के एग्जाम्स में आपने अच्छा नहीं किया है दूसरे यूनिवर्सिटीज के अंदर में, तो ये आपके पास में एक बैकअप ऑप्शन ट्रीट हो सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा सीरियसली लेकर के एग्जाम को दे सकते हो। बाकी तो बस यही बात है, कल से वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे SRMJEE के ऊपर ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को शेयर भी कर दो अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।